वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू एन अमेज़न लिनक्स का लैब करेंगे। सो अमेज़न लिनक्स को करने के लिए जो विंडोज़ यूज करते हैं उन लोगों को पुट्टी यूज़ करना होगा। सो हम पुट्टी से नहीं करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से करेंगे। और जिनका मैक है वो लोग ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो मेरा तो विंडोज़ है तो इसीलिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी, उसका नाम है मोबक स्ट्रीम। सो आप लोगों के मोबक स्ट्रीम को पहले इंस्टॉल करना होगा, हम इसका लिंक चैट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लेंगे। सो फर्स्ट हम लोगों को लैब को जाके स्टार्ट करना होगा, क्योंकि स्टार्ट करने में ये बहुत टाइम लेता है। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टार्ट होते होते हम लोग देखते हैं लैब में क्या, ओहो ये स्टार्ट हो रहा है, तो तब तक के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। चलिए वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 2 से 3 मिनट लेता है। जब तक यहाँ पर वो लैब स्टेटस रेडी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके गाइस, देखिए लैब स्टेटस रेडी हो गया, मतलब हम लोगों का लैब रेडी है। चलिए यहाँ पर एक डिटेल्स टैब है, वहाँ जाके AWS शो करना है। देखिए इधर एक SSH की दिया है, हम लोग को ये डाउनलोड PM ये वाला डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड कर लिया है, और ये वाला जो पब्लिक IP है ये हम लोगों को कॉपी कर लेना है, तो कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो है ना प्रोसेस हम लोगों को मोबक स्ट्रीम को कनेक्ट करने में मतलब लगेगा, तो यहाँ जाके हम लोग सेशन में जाएंगे, सेशन में जाके SSH में जाएंगे, हम लोग जो IP एड्रेस कॉपी किए थे वो वाला इधर पेस्ट कर देंगे। इधर एक यूज़र नेम डाल देंगे, इसको क्लिक करके जो भी है, तो मैं इधर EC2 यूज़र दी, ठीक है। देन हम लोगों को एडवांस SSH सेटिंग में जाना होगा, यहाँ जाके यूज़ प्राइवेट की को चेक कर देना है, एंड देन वो जो हम लोग डाउनलोड किए थे वो वाला फाइल को अपलोड कर देना है। देन ओके, देन एक्सेप्ट, ओके। सो हम लोगों का मोबाइल स्ट्रीम कनेक्ट हो गया अमेज़न लिनक्स से। देखिए सो हम लोग देखते हैं तो हम लोग कौन से यूज़र में हैं। PWD करके कॉमन होते हैं, मतलब प्रेजेंट वर्किंग ड्यूटी। देखिए हम लोग EC2 के अंदर हैं। ओके, देन हम लोग लैब में आ जाते हैं। लैब में हम लोगों को बोला है एक ही कमांड है मैन, इस कमांड को रन करना, इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो मैन कमांड से हम लोगों को मैनुअल मिल जाता है यूज़र का, सो डिवाइस का। सो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है क्या, मतलब ये मैन सी से क्या मिल जाएगा, फाइल मिल जाएगा, मैन -D से वार्निंग्स देख पाएंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन है। सो जो जो देखना चाहिए आप लोग को देख सकते हैं। सो मैन कमांड बेसिकली यही काम करता है। सो क्यू देकर हम लोग फाइल क्विट कर देंगे। सो आगे हम लोग, सो वही था ये वाला लैब में हम लोगों को करने को बोला है। सो अब एंड कर देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।